हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऐसे प्लांट्स जो कि आप अपने घर पे बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं और हमारी हेल्थ के लिए भी वो बहुत बेनिफिशियल है। सो हमारे पास जो फर्स्ट वन प्लांट है, इसका नाम है क्राइसेंथेमम प्लांट और इसको हिंदी में गुलदाउदी बोला जाता है। और इसको ग्रो करने के लिए जो आपको कंडीशंस चाहिए वो फुल सनलाइट चाहिए और ये एक तरह का हैवी ब्लूमर है। विंटर में ये बहुत ज़्यादा ब्लूम्स करता है। ये हमारे घर से टॉक्सिक केमिकल्स जो रिलीज होती हैं गैसेज, उनको दूर रखता है और जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम प्रोडक्ट्स में जो हम यूज़ करते हैं हमारे होम के लिए, लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया जैसे टॉक्सिक जो गैसेज हैं या कोई भी ऐसे कंपाउंड्स हैं, उनको भी दूर रखता है। और ये बहुत ही इजी टू प्रोपेगेट थ्रू कटिंग्स। एंड सेकंड, जो इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारे यहाँ पे घर पे कोई भी मॉस्किटोज़ हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको भी दूर रखता है। सो इसको आप अपने घर पे ज़रूर ग्रो करें और ये बहुत ही ज़्यादा इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। सारा साल आपको पूरी अच्छी ये फॉयलेज भी देगा एंड फ्लावरिंग भी देगा और ये नासा से भी अप्रूव्ड है ड्यू टू हेल्थ बेनिफिट्स। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट वन प्लांट है, इसका नाम है गार्डेनिया। गार्डेनिया जो ग्रो होता है वो मॉर्निंग सन जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे ये बहुत ईजिली ग्रो होता है। और इसकी जो वाइट ब्लूम्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एंड यूनिक लगती हैं और मल्टी पेटल में खिलती हैं। ये जो प्लांट है जो पीपल इंसोमनिया से सफ़र करते हैं उनको भी हेल्प करता है। और सेकेंडली, जो हमारी स्लीप है उसकी क्वालिटी को भी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। और सेकेंडली, इसका वाइड स्प्रेड यूज़ है। जो इसकी जो अरोमा होती है, जो इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है, वो सेम इफेक्ट देती है जो हम ड्रग्स में लेते हैं। सम इंडिविजुअल ड्रग्स होंगी जो जर्मनी में इन्वेंशन की गई थी और आप कह सकते हैं एक तरह की सर्च की गई थी, ये सेम इफेक्ट देता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट वन प्लांट है, इसका नाम है मनी प्लांट और यू कैन से पोथोस। पोथोस में सारी वराइटीज़ मनी प्लांट की फॉल हो जाती हैं। और मनी प्लांट्स एक बेस्ट प्लांट है जो आप इनडोर अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को घर पे रखने के साथ अगर आपके यहाँ पे कोई भी टॉक्सिक गैसेस हैं, अगर आपके यहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, उसको भी ये डिक्रीज़ करता है उसकी कंसंट्रेशन को और हमारे प्लांट्स को डिटॉक्सिफाई करता है। लो लाइट कंडीशंस में भी ये बहुत इजीली परफॉर्म करता है। अगर आप रूम में रखना चाहें तो आप एज ए हैंगिंग बास्केट भी इसको रख सकते हैं। ये कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो कर सकता है। अगर आपके पास कटिंग्स हैं, आप कटिंग से इसको वाटर में प्लेस करके बहुत ज़्यादा ईजिली इसकी जो रूट्स हैं डेवलप करवा सकते हैं। बहुत ही ईजी टू ग्रो है। सो आप इसको अपने घर पर ज़रूर यूज़ करें। एंड द नेक्स्ट वन प्लांट वी हैव इज़ एलोवेरा। एलोवेरा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लांट है और एट्रैक्टिव सक्यूलेंट है जो कि आप अपने घर पे इंडोर एज वेल एज आउटडोर बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़ीरो मेंटेनेंस केयर प्लांट है, बहुत ही ईजिली यहाँ पे ग्रो हो जाता है। और इसके जो लीव्स होते हैं वो पेन रिलीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि अपने जो कोई भी बर्न हुआ है जो मॉइस्चराइज स्किन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। सो आप अभी भी इसके प्लांट को उगा सकते हैं और इसकी लीव से भी प्रोपेगेशन ईजिली हो जाती है। और हमारे पास जो नेक्स्ट वन प्लांट है, इसका नाम है मिंट, जिसको आप पुदीना बोलते हो। इसका भी वाइडली हमारे यूज़ होता है किचन में फॉर टॉपिंग और मेकिंग ड्रिंक्स फॉर और अदर पर्पसेज एज वेल। सो इसको ग्रो करना बहुत ही ईजी है। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग्स को आप ईज़िली इसको लगा सकते हैं। और इसकी जो अरोमा होती है, जो इसकी स्मेल होती है, वो मेमोरी को भी इन्हांस करती है ये माना जाता है। और ये बहुत ही एक ईजिली ग्रो होने वाली हर्ब भी आप कह सकते हैं। ये काफ़ी सारी हमारी हेल्थ इश्यूज़ को भी सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है, लाइक हेडेक और नौसिया। सो आप इसको अपने घर पे ज़रूर ऐड करें। इसको थ्रू कटिंग बहुत ही आसान है, आप मार्केट से लेकर आ सकते हैं फॉर किचन पर्पस। वहाँ से एक कटिंग लगा के आप पॉट में काफ़ी ज़्यादा इसके प्लांट्स बना सकते हैं। और हमारे पास जो नेक्स्ट वन प्लांट है, ये है हॉली बासिल, जिसको हम तुलसी भी बोलते हैं हिंदी में। इसके काफ़ी सारे यूज़ हैं, इधर हमारे किचन में भी इसके यूज़ हैं और इंडिया में बेसिकली इसको एक रिचुअल पर्पज़ के लिए ज़्यादा पूजा जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है। इसके जो लीव्स होते हैं वो आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी और इन्फ्लामेशन से बचा सकते हैं, बिकॉज इसमें इन्फ्लामेटरी एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर मैं इसके पौधे की बात करूं, इसका पौधा आपको नर्सरी में 20 से 30 रुपए में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा और ये कोई भी सॉइल में ग्रो हो सकता है। आप अच्छी सॉइल हैंडफुल कंपोस्ट के साथ लेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा आपको ब्रांचिंग और आपकी जो ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो आप इसको भी अपने घर पर ज़रूर ग्रो कीजिए। सो ये थे सम ऑफ द प्लांट्स जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था, जिसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू।